हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ हिंदी मीडियम। अब हम चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा आसान सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब होता है कोई काम के होने की संभावना होती है। मतलब अगर वो कोई काम हो रहा है तो उसके कितने चांस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि कल ये काम होगा, उसके चांस 40% है कोई भी काम होने के। ठीक बेटा, कोई भी काम होने के चांस है वो 40% है, तो इसका मतलब ना होने के कितने हो गए, 60%। ओके बेटा, तो ये तो सिर्फ बात कही गई है, इसकी प्रायिकता मतलब 40% तो है, कितने में से 40% वो इसकी प्रायिकता होगी। तो 40% जो है कितने में से होगा, 100, क्योंकि कुल प्रतिशत होता है 100। मतलब 100 अगर टोटल चांस होते हैं तो उस 100 में से 40 ऐसे चांस है जो उस काम को होने के बारे में बता रहे हैं। मतलब 100 में से 40 का ऐसे चांस है उसके कि वो काम होगा, और अगर ना होने की अगर पूछी जा रही है तो वो होगा 60/100। इसका मतलब है अगर कुल 100 चांस है तो इसमें से 60 जो चांस है वो ना होने की है। तो इस चीज को जो हमने ज्ञात किया है वो प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता का मतलब कोई काम के होने की संभावना क्या है, और संभावना वो आपके सामने है। 100 में से जो कोई भी काम आप मान सकते हो इस काम होने की इतने चांस है तो वो 40 है। तो ये है प्रायिकता के बारे में कुछ बातें। बाकी जैसे जैसे चैप्टर आप करेंगे वैसे वैसे हमें इन चीजों का और भी पता चलता जाएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। मतलब आपको खाली स्थान फिल करने हैं, कुछ आधी अधूरी बातें कहेगी है, उसमें आपको बात बतानी है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये इसका सवाल पूछा है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है बेटा, क्या ये इसने देखा, हमें इसका आंसर देना। बेटा घटना ई की प्रायिकता मतलब ये काम ऐसा है जो घटित होगा, मतलब जो चीज पक्की घटित होगी, जैसे घटना ई और यहाँ है ई नहीं, तो मतलब यहाँ तो ये काम नहीं होगा और यहाँ ये काम होगा। तो कोई भी काम होगा ना, तो देखो टोटल कोई भी काम होने के कितने परसेंट चांस होते हैं, 100। अब वो काम हो ही रहा है तो उसके चांस भी कितने होंगे, 100। तो 100 में से 100 मतलब ये काम पक्का ही होगा, तो ये कट के कितना आ गया, 1। मतलब जो काम पक्का होगा उसकी जो प्रायिकता है क्या होती है, 1। प्लस इधर है ई नहीं, मतलब वो काम नहीं होगा, तो कुल तो 100 होते ही होते हैं और वो काम होगा ही नहीं तो उसके चांस कितने होंगे, 0। ये कोई काम हो ही नहीं रहा उसके कितने चांस होंगे, 0। और 0/100 कितना होगा, 0। तो इसका हो गया 1, इसका हो गया 0, तो क्या आंसर आ गया, 1। तो यहां से हमें दो बातें साथ साथ जानने को मिली है, कोई काम होगा उसकी प्रायिकता 1 होती है, और कोई काम जो नहीं होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। कैसे होगी वो आपके सामने है। ये है बेटा फर्स्ट पार्ट, धीरे धीरे मैं एक एक पार्ट करके इससे जानेंगे तब समझ आएगा ये क्या है। आगे बोला, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती और ऐसी घटना को खाली स्थान कहलाती है। तो पहली बात तो ऐसी घटना की प्रायिकता बताओ जो घटित हो ही नहीं सकती, मतलब उसके होने के जो चांस है वो 0% और कुल कितने परसेंट होते हैं, 100। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा, 0। तो इसका आंसर तो मिल गया, ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती, और ऐसी घटना को क्या बोला जाएगा, फिर असंभव बोला जाएगा, असंभव प्रायिकता या असंभव घटना। ठीक है बेटा, ऐसी घटना को क्या बोला जाएगा, असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो काम पक्का ही होगा बेटा, तो कुल कितने चांस, 100%,
और वो पक्की ही हो रही है तो 100% उसके चांस होगी, तो कट होके क्या आ गया, एक। मतलब जो घटित होनी निश्चित है उसकी प्राइस पे एक होगी, जो घटित होनी अनिश्चित है जो होगी नहीं उसकी क्या होगी, प्राइस पे जीरो। और ऐसी घटनाओं क्या बोला जाएगा, अगर ऐसी को संभव बोला, असंभव बोला जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, संभव। ओके, नेक्स्ट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का जो योग है वो खाली स्थान होता है। मान लो कई बार ऐसे चांस होते हैं बेटा जिसमें एक बात में बहुत सी बातें हो जाती है, तो उन सारे चांसों का जोड़ है वो क्या होता है, जैसे आपा कहते हैं कोई काम होगा उसके चांस है 40%। ओके बेटा, कोई काम होगा जैसे कल ये काम होगा, मान लो कोई फॉर एग्जांपल 100 काम होते हैं, हम जानते हैं कोई काम होने के चांस है वो 40% है, अगर हम उसकी प्रायिकता निकाले तो 40/100 हो गए। अब कोई काम होगा बस बात इतनी थोड़ी है, अगर होने के 40% है तो इसका मतलब ना होने के कितने चांस में, 60% भी। कोई काम होगा उसके चांस अगर 40% है तो उसी काम के ना होने के कितने चांस होगी, 60। अगर इसकी प्रायिकता ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, 60/100। और अब जैसे इस बात की दो चांस थे, होगा या नहीं होगा, तो इसके दो चांस हो गए, तो इनका जोड़ करके देखो आप 40/100, तो जोड़ करोगे 100 40+60 तो कितना आ गया बेटा, 100/100=1। मतलब एक प्रयोग में अगर जितने भी उसके प्रयोग बनते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उन सारे प्रयोगों का अगर आप जोड़ करते हो तो उनका जोड़ 1 आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपा एक कॉइन फेंकते हैं, सिक्का, तो सिक्के में एक चांस हेड का होता है, एक टेल का होता है, हालांकि आता एक ही है पर होते तो दोनों चांस है। तो अगर आप इसकी प्रायिकता अगर ज्ञात करें तो हेड आने के संभावित परिणाम कितने बेटा, एक ही हुए, और टोटल कितने हो गए, 2। अगर मैं हेड की और इस अकेले इतने की प्रायिकता ज्ञात कर रहा हूँ तो इसके जो चांस है वो आने के एक ही हो, हेड तो एक ही है ना यहाँ पे, और कुल है वो 2 हो गए, बटे में कुल आता है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। इसी तरह इसकी निकालूं तो भी 1/2, और सारों का जोड़ अगर यहाँ 2 है तो सारों का जोड़, दो का जोड़ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आधा और आधा 1 आ गया। इसी तरह अगर आप सिक्के 2 उछालें, तो 2 सिक्के उछालते हैं तो ये आता है, दोनों हेड है, ये हेड टेल है, टेल हेड है, टेल टेल, 2 सिक्के उछालते हैं तो इतने आते हैं। अगर आप इसकी प्रायिकता ज्ञात करें तो ये 1 है और कुल 4 है, तो 1/4, इसी तरह सारों की 1/4 आ गई, सारों का जोड़ करके देखो 4 LCM आ गया, 1+1+1+1 तो 4/4, ये भी कितना आ गया, 1। मतलब अगर एक कोई ऐसी बात है जिसके बहुत से चांस बनते हैं, जैसे इस बात के 4 चांस बन गए, इसके 2 चांस बन गए, इसके भी 2 चांस बन गए, और अगर आप उन सारों की प्रायिकता ज्ञात करते हो और उन सारों की प्रायिकताओं का अगर योग करते हो तो उनका योग हमेशा 1 आता है। ओके बेटा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और इनमें से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आए बेटा, इनमें से काफी बार पेपर में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए ध्यान से देख लेना, ये देखने में अपने को फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान लग रहे हैं, पर पेपर में कई बार 1 या 2 नंबर 1 नंबर का मोस्टली बनता है, 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखना। नेक्स्ट है बेटा, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। मतलब इसने ये पूछा है कि कोई भी बात ऐसी है जिसकी घटना मतलब कहां से शुरू होती है और कहां तक खत्म होती है, इसका मतलब ये है बात का। हालांकि इसने बात बताई, इसने मतलब सबसे छोटी या उसके बराबर या सबसे बड़ी या उससे नीचे, तो इसका मतलब हमारी भाषा में यही कह सकते हैं, कोई भी चीज की प्रायिकता है कहां से शुरू होके कहां तक खत्म हो सकती है। तो अभी जैसे आपने बातें की थी बेटा कि कोई भी काम नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा कोई काम होगा या ज्यादा से ज्यादा कोई काम होगा, नहीं होगा या होगा, या 50-50 है, या 50 में या बहुत चांस है बेटा, 50 जरूर नहीं, 60% 70% 80% ऐसे बहुत है, बीच की बात है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये बीच की बात है। तो कोई काम नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 0। कोई काम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, प्रोबेबिलिटी को ही हिंदी में प्रायिकता बोला जाता है, कई बार बीच में मेरे से अगर प्रोबेबिलिटी नाम निकल जाए तो इसका मतलब प्रायिकता ही होगा। तो 0
से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि कोई काम होगा ही नहीं, वहां से बात स्टार्ट होगी। और उसकी प्रायिकता क्या थी? जीरो। इसी तरह कोई काम पक्का होगा, उसकी प्रायिकता क्या थी? एक। और बीच वाली बात है तो बीच में आंसर आते रहेंगे, आधा, 1/2, 1/3, ऐसे आंसर आते रहे। तो सबसे छोटी जो बात है वो जीरो, और सबसे बड़ी है वो एक। तो किसी भी चीज की प्रायिकता जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है, एक या एक से छोटी हो सकती है। ओके बेटा, इसी तरह सवाल नंबर 2 आगे पढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है और स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक ये क्या चीज होती है? मतलब इक्वल चांस, ऐसे बातें जिसमें सभी के लिए कोई भी चीज आने की इक्वल चांस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं क्वाइन फेंकता हूँ, सिक्का फेंकता हूँ, तो सिक्के में हेड और टेल आते हैं। बेटा कोई भी बच्चा टॉस करता है, सभी के लिए बराबर होते हैं। आप क्वाइन फेंकते हैं, हेड, आप हेड मांगते हो तो हेड भी आ सकता है, दूसरे का टेल भी आ सकता है। मतलब क्वाइन में ऐसी बात है जिसके लिए दोनों के लिए बराबर चांस होते हैं। तभी तो कोई भी मैच, आजकल क्रिकेट का मैच है या और भी मैच है, उसको उछालने से पहले सिक्के को क्यों उछाला जाता है? क्योंकि इसमें सभी के लिए इक्वल चांस होते हैं। इधर खिलाड़ी मांग रहा, उसके लिए उतने चांस है। इधर जो नहीं मांग रहा, क्योंकि मांगता तो एक है, आप क्वाइन उछाला, किसी एक ने बोला हेड, दूसरे ने तो बोला ही नहीं, तो भी उसके लिए उतने ही चांस है। अगर वो चुप रह के देख रहा है तो भी उसके लिए भी उतने ही चांस है जितना मांगने वाले के लिए है। तो यहाँ संप्रायिक को बोला, इसका मतलब इक्वल चांस। तो इसने आगे हमें बातें बताएगा 2-3, हमें ये बताना है कि यहाँ पे अगर अपा है तो क्या हमारे लिए इक्वल चांस है या नहीं है, बस इतना ही हमें इसके बारे में बताना है। कहता है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो अब हमें बताना है कि इस बात में अगर हम देख रहे हैं तो क्या ये संप्रायिक है या नहीं, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। बेटा यहां मेरे को इक्वल चांस नहीं नजर आते। कैसे? ऐसा भी हो सकता है कार थोड़ी सी चल के बंद हो जाए। अब बताओ, इसको ये कहोगे कि कार चल गई या ये कहोगे कार बंद हो गई? कार चल भी गई और कार बंद भी हो गई। तो इस तरह यहाँ पे जो इसने बात बताई है वो कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। मतलब उस बात में हमें पूरी चीज की क्लियरिटी नहीं हो रही है, इक्वल चांस नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर इतनी सी बात होती ना कि कार चलेगी या बंद होगी तो दोनों चांस बराबर है, पर क्या पता चल के बंद हो जाए, तो इसलिए हम इस बात को नहीं मान सकते, यहां संप्रायिक नहीं है। जो मैंने बात बोली है वो आप लिखित भी लिख सकते हो कि क्या तो कुछ दूरी चलने के बाद कार बंद भी हो जाए। एक खिलाड़ी बास्केट बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट को बाल बास्केट में बाल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब वही बात बेटा, एक प्रयत्न कर रही है, क्या पता वो डाल पाएगी या क्या पता नहीं भी डाल पाएगी। कई बार आपने देखा होगा एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बाल डालता है, वो बाल उसके अंदर डल भी जाती है और बाउंस लेके वापस आ जाती है। हालांकि ऐसा हम इस चीज को कम ही देखते हैं, पर ये भी तो हो सकता है। अब इसको वही उसी तरह कार वाली बात, इसको बास्केटबॉल के अंदर बाल डली हुई मानोगे या नहीं डली हुई मानोगे, तो ये भी संप्रायिक नहीं है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन, ट्रू सत्य होगा या असत्य होगा, हमें दो ही बात बतानी है। जैसे एक बात लिख दी कि एक क्वेश्चन बोलता हूं कि 5 एक सम संख्या है, मैथ चल रहा है तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा। 5 एक सम संख्या है और क्वेश्चन है सत्य और असत्य का। अब आप क्या कहोगे? असत्य। तो यहाँ कोई ऐसी बात है कि सर ये भी तो हो सकता है, आप अगर इसको सत्य कह दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें संप्रायिक चांस है, इक्वल चांस है, या तो सत्य है या ये बात असत्य है। तो हमने इसमें एक बता दिया कि ये बात असत्य है। तो ये ऐसी बात थी जिसमें एक आंसर दिया जा सकता था जो कि दोनों आंसर में से इक्वल चांस है। कोई ऐसी भी बात हो सकती है जिसमें सत्य भी बोला जा सकता है, और कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिसमें असत्य भी बोला जा सकता है। तो इसको मैं संप्रायिक मानता हूं बेटा। एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का है या एक लड़की है, तो ये भी आप समझ गए होंगे इस हिसाब से, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये भी एक बात संप्रायिक है, तो इसमें भी संप्रायिक बोला जाएगा। तो आगे सवाल नंबर जो 3 है वो भी इसी तरह का है, जो कि आपको अपने आप बताना है, क्योंकि जो दूसरे सवाल के मैंने 4 भाग बताए हैं उससे उम्मीद करता हूं तीसरा सवाल आप कर लेंगे। सवाल नंबर 4 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती।
अब इसने बोला है कि इनमें से कोई ऐसी बात है जो प्रायिकता कभी हो ही नहीं सकती। 2/3 ये प्रायिकता हो सकती है बेटा। कोई काम के टोटल 3 चांस हो सकते हैं और उस 3 में से 2 कोई बात के हो सकते हैं। तो ये जैसे जैसे सवाल आएगा तब आपको ज्यादा समझ आएगा। और यहाँ लिखा है -1.5, तो मैं आपको बता देता हूँ कोई भी चीज की प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती। कोई काम अगर बिल्कुल नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, और कोई काम होगा तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। मतलब प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और बीच में कहीं भी हो सकती है। तो 2/3 इसके बीच में था, मैंने कहा था हो सकता है। और अगर इससे ऊपर है, मान लो अगर 1 से ऊपर भी कोई बात बता रहा है या 0 से नीचे माइनस में कोई बात बता रहा है, तो वो कभी भी किसी चीज की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप डिटेल में जाएंगे और हमें इन चीजों का पता चलता जाएगा। तो आज ये बेटा 4 क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं देता हूँ, तो ये अच्छे से आप कर लेना। और उम्मीद करता हूँ कि जो आप 6 चैप्टर कर चुके हैं वो आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। और अगर अब तो काफी दिन हो गए बेटा आपने कर ही लिए होंगे उम्मीद करूंगा मैं, फिर भी अगर किसी का रहता है तो बेटा आपने पूरा कर लेना। और आज से ये चैप्टर नंबर 15 है अपनी, उसी कॉपी में स्टार्ट कर देना और अपनी कॉपी को बढ़िया तरीके से पूरी करते रहे। थैंक यू बेटा। अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है या कोई भी सवाल आपको पूछना होता है तो कमेंट का, मैंने आपको कई सवाल के अलावा भी कोई ऐसी बात आपको पूछनी होती है कॉपी के बारे में जो भी है, तो आप नीचे कमेंट का सेक्शन होता है बेटा, वहां आप कमेंट कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।